Hello, I'm Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic. Welcome to our YouTube channel. I hope you all are doing good. आप सब ठीक हो, मस्त हो, enjoy कर रहे हो life को, enjoy करते रहिए. पर जब आपको dentist की ज़रूरत होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आप सोचते हो कि हम dentist कैसे choose करें. So आज का video इसी के बारे में है. Today I am going to tell you that how you should choose a dentist or a dental clinic. आपको अपने लोकेलिटी में या बाहर एक डेंटिस्ट की चॉइस करनी है तो आप कैसे करोगे? तो इस कंटेंट में सबसे पहले, जैसे अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम होता है या आप अपना स्माइल डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप ब्रेसेस लगाना चाहते हैं, आप इम्प्लांट लगाना चाहते हैं, आप दांत लगवाना चाहते हैं, सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू फाइंड अ गुड डेंटिस्ट? आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में. मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा एक डेंटल क्लिनिक चूज़ करना. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और इसके कंटेंट जो है वो बहुत मीनिंगफुल है. So the first and the foremost way of finding a good dentist is by reference. Normally हमें कोई problem होता है तो हम किसी को फ़ोन करते हैं, हमारे relatives को, friends को, या अपने जान पहचान में किसी को कि अरे हमें एक dentist की ज़रूरत है, क्या आप किसी dentist को जानते हो, आप कुछ महीने पहले एक dentist के पास गए थे, वो dentist कैसे हैं. इन सब, this is one of the most common way, especially in India, to find out a dentist. बहुत ही एक ईजी, जिसे हम dentist लोग या doctors लोग अपने terminology कहते हैं कि आपका माउथ पब्लिसिटी कैसे हो रहा है. किसी भी डेंटिस्ट का माउथ पब्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ इज़ दैट डेंटिस्ट बीन रेटेड बाय द प्रीवियस पेशेंट? उनके जो पेशेंट्स है उस डेंटिस्ट को कैसे रेट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस करा है उस चीज़ को. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को जानें. और उसी में एक पार्ट जो आजकल आ गया है वो सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के थ्रू भी आप डेंटिस्ट को सर्च कर सकते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट. आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप हमारे डेंटल क्लिनिक के बारे में देखिए, आप फैमिली डेंटल क्लिनिक या डेंटिस्ट इन गुवाहाटी टाइप करें तो आपको फैमिली डेंटल क्लिनिक दिखाई देगा. हम हमारे पेशेंट्स को भी बोलते हैं कि आप अपने इनपुट्स डालिए जिससे लोगों को पता चले कि हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा क्वालिटी कैसा है, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है. और उसका जजमेंट भी आपको करना है कि वो रिव्यूज़ नॉर्मल है कि नहीं है, आर दे रियली जेन्युइन रिव्यूज़ और नॉट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज. सो गूगल हो गया, देन देयर इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑल ऑफ दिस सोशल मीडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. लोग आजकल इन सब चीज़ों के थ्रू, यूट्यूब चैनल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैं अब जिसके थ्रू मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, कोई भी यूट्यूब के क्लिनिक आप डेंटल चैनल देख सकते हैं, उसके थ्रू भी आपको पता चल सकता है कि कौन सा डेंटिस्ट जो है वो आपके लिए एप्ट है, जो आपके लिए परफेक्ट है. नाउ Once you visit a dental clinic, आप क्या देख सकते हो? ये तो था कि आप dental clinic पहुँचोगे. Now the second step is team of dentist, single dentist, dental assistant and or receptionist. Now अब मैं इससे ये बोलना चाहता हूँ कि एक आप एक क्लिनिक में जाते हो जहाँ पे एक सिंगल डेंटिस्ट है, देर इज अ सिंगल डेंटिस्ट हु इज वर्किंग, एंड इन द मीन टाइम देर यू विजिट अ डेंटिस्ट वेर देर आर मल्टीपल डेंटिस्ट वर्किंग, देर आर 3-4 डेंटिस्ट वर्किंग, एटलीस्ट 2 डेंटिस्ट और 3 डेंटिस्ट वर्किंग, एंड इन द मीन टाइम दे हैव द प्रोविजन ऑफ कॉलिंग कंसल्टेंट डेंटिस्ट ऑल्सो. तो ऑब्वियसली जिस जगह मल्टीपल डेंटिस्ट वर्क कर रहे हैं और जिस जगह कंसल्टेंट डेंटिस्ट बुलाने का ऑप्शन होता है, दैट इज़ अ बेटर क्लिनिक, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल डेंटिस्ट टू डिटरमाइन ऑल योर ट्रीटमेंट प्लान्स. आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक डेंटिस्ट नहीं बता सकता. उनको अपने साथ किसी और डेंटिस्ट के साथ अगर वो मिल करके आपके ट्रीटमेंट प्लान को डिसाइड करते हैं या आपके ट्रीटमेंट को करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी ईजी एंड द ट्रीटमेंट ऑल्सो गोज वेरी गुड. So it is obviously better to visit a dental clinic which has multiple dentists. I will never say that a single dentist can't do it. A dental clinic with multiple dentists is preferred. Now, talking about the assistants, you know, आपको ये बहुत important factor है हमारे dentistry में कि एक dentist अगर काम कर रहा है तो उनके साथ bare minimum 2 assistants की ज़रूरत होती है. You can say that one assistant, one receptionist is द मिनिमम रिक्वायरमेंट, बिकॉज अगर एक डेंटिस्ट काम कर रहा होता है तो उनको ये ज़रूरी होता है कि उनके साथ जो असिस्टेंट है वो उनको कितना अच्छी तरह हेल्प कर रहे हैं. हम वी आर ओनली हैविंग 2 हैंड्स, हम 2 हाथों से काम करते हैं. हमारे असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें प्रॉपर आइसोलेशन चाहिए होता है, साफ़ सफाई चाहिए होता है, इन सब चीज़ों के लिए एक्सरे लेना होता है, इन सब चीज़ों के लिए हमें एक अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत है.
इन द मीन टाइम एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट की भी ज़रूरत है। मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट का आपके टाइम से भी क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन असिस्टेंट विथ योर टाइम ऑल्सो। नाउ टॉकिंग मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड। आप एक डेंटल क्लिनिक में विजिट करते हो, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो किस टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरीज यूज़ कर रहे हैं। ओल्ड आउटडेटेड एक्सरे मशीन्स हैं, ओल्ड आउटडेटेड डेंटल क्लीनिंग मशीन्स हैं, ओल्ड आउटडेटेड आपके एरोटर्स वगैरह जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सब है, तो उससे आपके क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट हैम्पर होगा। पोर्टेबल डेंटल एक्सरे मशीन्स हैं जो कि आजकल बहुत कन्वीनियंटली यूज़ हुआ जाता है। उन सब चीज़ों का एडवांटेज होता है कि आपको एक, जब आपके एक्सरे लिए जाते हैं तो आपको एक बहुत क्लियर इमेज मिलता है। तो डेंटिस्ट जो है वो हालांकि इन वो खुद भी समझ सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और सबसे अच्छी बात कि वो आपको भी समझा सकते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। इफ देयर इज द एक्सरे इज नॉट गुड इनफ, सपोजिटली द एक्सरे इज नॉट गुड इनफ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेंटिस्ट हिमसेल्फ टू डिसाइड द ट्रीटमेंट। इन द मीन टाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द डेंटिस्ट टू एक्सप्लेन यू द ट्रीटमेंट ऑल्सो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो गुड टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी यूज, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरीज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेंटल क्लिनिक। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनदर पॉइंट इज एंग्जाइटी ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट। मैं इस बात में हमेशा मैंशन करता हूँ कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है वो ये नहीं बोलता कि मुझे डर नहीं लग रहा है। सबसे पहली चीज़, हमारे क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आते हैं तो वो ये बोलते हैं, डॉक्टर वी आर वेरी स्केयर्ड, डॉक्टर हमें बहुत डर लग रहा है, डॉक्टर कितने देर का प्रोसीजर होगा, डॉक्टर हमें दर्द तो नहीं होगा। सो द एंग्जाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अ पेशेंट डजन वॉन्ट इन हिज डेंटल क्लिनिक। सो फॉर दैट वॉट अ टीम ऑफ डेंटिस्ट और अ डेंटल क्लिनिक कैन डू, लाइक द यूज ऑफ टीवी, a very simple thing, if you place a TV on it above your dental chair, we can show some good videos, we can probably, if you want to watch Netflix and get your dental treatment done, how beautiful it sounds, isn't it? In the meantime, agar aapko bahut zyada anxiety ho raha hai to hamare paas dusre tools bhi hai, aap music sunna chahte ho, relaxing music sunna chahte ho, to wo bhi provide karna chahiye us dental clinic ko. And the most important which we use in our dental clinic is the use of conscious sedation, जो कि आजकल इंडिया में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज लाफिंग गैस। इट मेक्स द डेंटल ट्रीटमेंट वेरी कम्फर्टेबल, एंगजाइटी फ्री, आई वुड नॉट से 100% पेन फ्री, बट इन द मीन टाइम यू विल गेट दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट कम्फर्ट जोन दैट यू कैन बेयर अ बिट ऑफ पेन। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दर्द नहीं चाहिए तो आपको समय भी बचाना है, यू नीड टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो। सो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? वेन यू विजिट अ डेंटल क्लिनिक द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज दैट आई शुड नॉट टेक ऑफ फ्रॉम माई वर्क। येस, इफ यू डोंट वर्क हाउ विल यू पे द डेंटिस्ट? यू नीड टू वर्क, डू योर वर्क, इन द मीन टाइम गेट योर डेंटल ट्रीटमेंट डन। वेटिंग पीरियड इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू कम ऑन टाइम फॉर योर डेंटल ट्रीटमेंट, यू शुड मेक श्योर आपका वेटिंग पीरियड बहुत कम हो। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि हम जो प्रोसीजर्स करते हैं उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी कभी किसी प्रोसीजर में हम लोग को, हम सोचते हैं कि हमें हाफ एन आवर लगेगा तो वो प्रोसीजर 15 मिनट्स में भी हो जाता है। कभी कभी किसी प्रोसीजर में जो हम सोचते हैं कि वो 15 मिनट्स में हो जाएगा तो उसमें हमें 45 मिनट टू 1 आवर भी लग जाता है। दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट, द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चूजिंग योर डेंटल क्लिनिक इज द क्लिनिक हाइजीन। अ क्लीन डेंटल क्लिनिक विथ गुड स्टरलाइजेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आर मैंडेटरी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ द डेंटिस्ट इज नॉट वेरिंग अ मास्क और ही इज नॉट वेरिंग हिज ग्लव्स एंड ही इज अप्रोचिंग यू फॉर अ डेंटल ट्रीटमेंट, से नो टू द डेंटिस्ट। यू मेक श्योर दैट द डेंटिस्ट इज यूजिंग प्रॉपर मास्क and gloves, the instruments are clean, the sterilization is done properly, and foremost, the environment in the dental clinic is very clean. It has to be clean because you are getting your mouth treated in that dental clinic. आपके mouth के अंदर जो procedures हो रहे हैं वो instruments साफ हैं, वो sterilize करे हुए हैं, और जो dentist परफॉर्म कर रहे हैं उस प्रोसीजर को, उनके हाथ में ग्लव्स पहना हुआ, उनके मास्क पहना हुआ है। दैट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द डेंटिस्ट, बिकॉज देर आर गुड नंबर ऑफ इन्फेक्शंस विच कैन टर्मिन विच कैन क्रॉस ओवर थ्रू द एयर।
which we don't want and even you don't want. So these are the few tips which you should keep in mind. I hope this video was very informative to you. We will write down all these points in our in the description of the video. I hope you liked the video. It was very informative to you. In the meantime, if you like it, please do subscribe our channel. Thank you so much. Have a very good day. Bye-bye.